सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। एंड आपका स्वागत है हमारे रोहित फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम करने वाले ये वाली फोटो एडिटिंग जो कि आपको साइड में दिख रहा होगा। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में आपको जो भी बैकग्राउंड एंड पेजेस चाहिए उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मुझे फॉलो करना ना भूलिए मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, क्योंकि मैं जो भी फोटो एडिट करता हूँ उसको आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैं उसे डालता हूँ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, ताकि आप लोग देख सके कैसा फोटो एडिट किया मैंने। एंड आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ हमेशा। एंड गाइस, आपको इस फोटो एडिटिंग में जो भी बैकग्राउंड से पीजी चाहिए उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इस वीडियो का मैंने लाइक एम रखा है 20 लाइक, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दिया करो गाइस। काफ़ी मेहनत लगती है एंड मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो कोई देख रहा है, इसलिए मैं और वीडियोज बनाते रहता हूँ। एंड सब्सक्राइब करने के बाद गाइस बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि आप जब भी बेल आइकन को दबाओगे तो मैं जो भी वीडियोस न्यू अपडेट आएगा वीडियोस डालूंगा, तो उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ एंड वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपका स्वागत है हमारे रोहित फोटोग्राफी चैनल में। आप इस चैनल पे सीख सकते हैं फोटो एडिटिंग कैसे की जाती है ऑसम। एंड आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड बगल में जो बेल का आइकन आएगा उसको प्रेस करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। तो चलिए हम करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। तो चलते हैं हम पिक्सआर्ट में। तो पिक्सआर्ट में आने के बाद गाइज अब हम क्या करते हैं, ये प्लस के आइकॉन पर टैप करते हैं, ऑल फोटोज़ पर टैप करते हैं। ऑल फोटोज़ पे टैप करने के बाद गाइज हमें लेना है हमारा बैकग्राउंड। सो बैकग्राउंड कहाँ है, ये रहा। एंड गाइज आपको पहले ही बता दूँ, इस फोटो एडिटिंग में जो भी बैकग्राउंड एंड पीजी चाहिए उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप बैकग्राउंड एंड पीजी के लिए बिल्कुल भी घबराना मत। एंड तो अब हम जाते हैं ऐड फोटो पे। एंड गाइज अब हम ऐड फोटो पे जाने के बाद हमने जो बर्ड का पीजी लिया है उसको करते हैं ऐड। कहाँ है, ये रहा। ऐड करने के बाद गाइस बस आपको इसको क्या करना है, इसको बस आपको करना है बड़ा, ओके। एंड इसको कर देते हैं थोड़ा सा साइड में एंड डन। सो गाइस अब हम जाते हैं फिर से ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस हम लेते हैं हमारा मॉडल पीएनजी, जो कि कहाँ है, ये रहा। एंड इसको कर देते हैं हम रोटेट फ्लिप से जाके, ओके। एंड अब कर देते हैं इसको थोड़ा सा रोटेट, इसको अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा। एंड अब हम जाते हैं इरेज के आइकॉन पे, इसको इन्वर्ट कर देते हैं एंड यहाँ से इसकी हार्डनेस को कर लेते हैं फुल। सो इसको अच्छे से इरेज करना, वरना आपकी एडिटिंग थोड़ी बेकार भी हो सकती है। अब हम जाते हैं इरेज पे एंड इसको कर देते हैं इरेज, जो कि फालतू का हिस्सा है। सो गाइस हमारी फ़ोटो हो चुकी डन। एंड इसको करते हैं राइट एंड इसको कर लेते थोड़ा सा पीछे, ओके। अब हम कर देते हैं यहाँ से जाके एडजस्ट पे, इसको हम अपने हिसाब से सेट, पहले सेचुरेशन पे जाते हैं, इसकी सेचुरेशन थोड़ी सी माइनस करते एंड कॉन्ट्रास्ट पे जाते, ओके। एंड अब हम जाते हैं क्लियरिटी पे, इसकी क्लियरिटी को देखते हैं। एंड अब हम कर देते हैं यहाँ से राइट। राइट करने के बाद गाइज हम जाते हैं फिर से ऐड फोटो पे।
एड फोटो पे जाने के बाद गाइस हम लेते हैं एक एरो का पीएनजी, जो कि ऐसा लगता है कि हमारे मतलब पीछे से निकल के आगे निकला हुआ है। एंड कहाँ है एरो, ये रहा। एंड इसको कर लेते हैं हम जूम, इसको थोड़ा टेढ़ा कर लेंगे। और छोटा ओके, एंड हम जाते हैं इरेज के आइकॉन पे, इसकी इरेजिंग हार्डनेस को कर देते हैं फुल। एंड अब हम इसको करते हैं इरेज, ताकि लगना चाहिए ना कि ये हमारे पीठ से निकला हुआ है, तो ऐसे लगा देंगे तो हम फेक लगेगा। एंड हम कर देते हैं यहाँ से राइट। राइट करने के बाद गाइज हम जाते हैं एक एड फोटो पे, एंड फिर से लेते हैं एक ब्लड का पीएनजी, जो कि तीर लगा हुआ है तो खून भी तो निकलेगा ना गाइज, इसीलिए हम वो ब्लड का पीएनजी लगाते हैं। ब्लड ब्लड ब्लड, ये रहा। एंड अब हम इसको करते हैं रोटेट, इसको करते एकदम छोटा, जूम करते हैं फोटो को, यहाँ पे जाते हैं, फिर जूम करते हैं। इसका एक और ले लेते हैं हम डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेट लेने के लिए हम गाइस क्या करते हैं, पहले यहाँ पे टैप करेंगे, यहाँ पे करेंगे डुप्लीकेट, तो एक और डुप्लीकेट आ जाएगा हमारे पास। एंड उस डुप्लीकेट को ले जाके हम रोटेट करके पीछे लगा देंगे यहाँ पे, थोड़ा बड़ा। एंड इरेज के आइकॉन पे जाते हैं, इरेज की हार्डनेस को करते हैं फुल। एंड इसको यहाँ से ऐसे इरेज कर देंगे। एंड इस पे जाते हैं, इसकी हार्डनेस ऑपोजिटिव कम करके एक बार ऐसे घुमा देंगे। एंड ओके कर देंगे, यहाँ से कर देते हैं डन। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो में थोड़ी रियलिस्टिक लुक आ रही है। एंड गाइस अब हम जाते हैं फिर से एड फोटो पे, एड फोटो पे जाने के बाद गाइस हमारे पास है एक फ्लेयर पीएनजी एंड लेंस पीएनजी, दोनों को ले लेते हैं ऐड कर देते। पहले हम इसको लेते हैं, एक मिनट, इसको नहीं, पहले इसको लेते हैं। इरेज का आइकॉन पे जाते हैं, इसकी हार्डनेस और ओपोजिटिव कम करके इसको करते इरेज। सो गाइज इसको अब हम रहने देते हैं। एंड अब लेते हैं हम ये वाला पीएनजी, एंड इसको करते हैं ओनली बड़ा, एंड नीचे की साइड में लेके आते हैं। एंड इसको जाते हैं हम ब्लेंडिंग मोड से कर देते हैं स्क्रीन। एंड इसका एक और डुप्लीकेट लेने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं, एंड फिर से डुप्लीकेट लेते हैं, इसको कर देते हैं ऊपर। एंड यहाँ से जाते हैं फ्लिप एंड रोटेट पे, इसको कर देते हैं नीचे की तरफ। एंड थोड़ा सा इरेजिंग टूल लेंगे, इसके हार्डनेस और ओपेसिटी कम करके थोड़ा सा यहाँ ऊपर वाला इरेज कर देंगे। ओके एंड कर देते हैं यहाँ से डन। सो गाइस अब हमारी फ़ोटो हो चुकी है एडिट, एंड अब हमारा सेकंड काम है लाइट रूम में। तो चलिए लाइट रूम में, एंड पहले इस कर लेते हैं इस फोटो को सेव। सेव करने के लिए ड्रॉ टूल पे जाते, थ्री डॉट पे क्लिक करते, सेव टू इमेज कर लेते। एंड गाइस ये फोटो आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। तो चलिए अब हम चलते हैं लाइट रूम में, इसको कलर करेक्शन का रियलिस्टिक वाला लुक देने के लिए चलते हैं हम लाइट रूम में। सो गाइस लाइट रूम में आने के बाद अब हम जाते हैं यहाँ कैमरा के बगल में, देख सकते हैं ऐड फोटो का ऑप्शन है, इस पर जाते हैं। एंड हमने जो फ़ोटो एडिट करी है वो फ़ोटो को ऐड करते हैं, ऐड करने के लिए हम जाते देखते फ़ोटो कहाँ है, ये रही। एंड इसको कर लेते हैं ऐड। सो हमारी फ़ोटो सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। अब जाते हैं ऑल फोटोज़ पे, एंड ये रही हमारी फ़ोटो। सो ऑल फोटोज़ पे जाने के बाद हम जाते हैं क्लियरिटी के ऑप्शन पे, एंड इसकी क्लियरिटी को बढ़ा देते हैं 50, एंड विग्नेट करते थोड़ा माइनस। एंड इसको शार्पनिंग पे जाते हैं, एंड थोड़ा शार्पनिंग नॉइस रिडक्शन दे देंगे। एंड अब हम जाते कलर मिक्स टूल पे, मिक्स पे जाते हैं, इसको फोटो कर लेते थोड़ा छोटा ताकि हमें पूरा दिख सके। एंड इसको या एक मिनट, सेचुरेशन थोड़ा माइनस, रेड पे जाते हैं। एंड पीछे का बैकग्राउंड का जो है उसको वाइट कर लेते, देखिए पहले ब्लू कलर था अब एंड वाइट में हो रहा है। ओके एंड एक्सपोजर के ऑप्शन पे जाते हैं, एक्सपोजर बढ़ा देते हैं थोड़ा, कॉन्ट्रास्ट भी, हाइलाइट्स वगैरह अपने हिसाब से इंक्रीज।
सो ओके डन। एंड गाइज अब देख सकते हैं हमारी फ़ोटो अच्छी की एकदम से सक्सेसफुली डन। एंड देख सकते हैं फ़ोटो की ज़रा सी भी क्लियरिटी नहीं घटी है, देख लो। एंड गाइज प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मोर एडिटिंग्स के लिए मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस डालता रहता हूँ। एंड गाइज सब्सक्राइब करने के बाद गाइज बगल में जो बेल का आइकॉन आएगा उसको ज़रूर से प्रेस करना, एंड क्योंकि मैं जो भी वीडियोस वगैरह डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे एंड आप देख के उस तरह की एडिटिंग सीख सकें। तो अब हमें करना है गाइस इस फोटो को सेव। सेव करने के लिए 3D पे जाते हैं एंड सेव टू डिवाइस करते हैं। आपके फ़ोन में जो भी हाई क्वालिटी अवेलेबल होगी उस क्वालिटी में फ़ोटो सेव हो जाएगी। एंड मुझे फॉलो करना ना भूलिए, मेरे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक है, उन सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारी फ़ोटो हो चुकी है सेव। एंड गाइस अभी भी बोल रहा हूँ कि जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड बगल में जो प्रेस का आइकॉन आएगा बेल का उसको भी दबाना एंड नोटिफिकेशन ऑल कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मैं जो भी वीडियोस वगैरह डालूँ उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले फोटे पहुँचे। तो चलिए हम चलते बाय, एंड आपसे मिलेंगे हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं बाय।